या तुम जीवों की कहो, उनका जीवन का लक्ष्य क्या है, मकसद क्या है, सच्चा सुख की प्राप्ति, ये उनके जीवन का मकसद है। और इसके लिए हर व्यक्ति अपने जीवन में बचपन से लेकर युवाओं और बुढ़ापा में भी प्रयास करते हैं। हम अपने परिवार में, समाज में इर्द गिर्द देखते हैं कि हर व्यक्ति सुख के लिए तो प्रयास करते हैं, अपनी क्षमता के मुताबिक, अपने संजोगों के मुताबिक। मगर हमारे समाज में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं देखा हमने कि वो सुखी होके जा रहा है। हर व्यक्ति कोई ना कोई चिंता छोड़ के, उपाधि लेके, टेंशन लेके ही मर रहा है। सुख, मैंने सुख पा लिया है, ऐसा उनका अनुभव नहीं है। हर व्यक्ति की बात प्रयास हर व्यक्ति करते हैं, मगर कोई सफल नहीं होते। क्या होता है? सत्ता, संपत्ति, समय और साधन सब कुछ मिलते हुए भी कोई ये नहीं कहता है मैं सुखी हो गया। हर व्यक्ति की अपेक्षा हर समय अलग अलग हो जाती है। जब पैसा नहीं होता है तो बोला मेरे को पैसा मिल जाए तो मैं सुखी हो जाए, फिर पैसा आ गया तो बोला बंगला मिल जाए तो मैं सुखी हो जाए, फिर बंगला मिल गया फिर बोला नौकर जाकर गाड़ी मिले तो मैं सुखी हो जाए, फिर नौकर जाकर गाड़ी मिली अपनी दुनिया में घूमूंगा तो मैं सुखी हो जाए। हर समय सुख की परिभाषा को क्या करता है, चेंज करता है। जब उम्र बढ़ जाती है तो बंगला, मोटर, गाड़ी, पैसा सब कुछ है, मगर कहता है मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है इसीलिए मैं दुखी हूं। जब स्वास्थ्य अच्छा था तो दुनिया में सुख प्राप्त करने के लिए दौड़ रहा है, और जब दुनिया की हर चीजें मिल गई तो बोला मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है इसीलिए मैं दुखी हूं। यानी हर समय अपनी सोच क्या करता है, बदलता है। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कहता है कि मैं सुखी हो गया। प्रयास हर व्यक्ति करती है। आप कोई स्कूल में और कॉलेज में अपने बच्चे का अगर एडमिशन लेने के लिए जाओगे तो स्कूल की हिस्ट्री देखोगे कि स्कूल कॉलेज में कि वहां कितने परसेंट में स्टूडेंट पास हो गए, ये हिस्ट्री देखोगे। तो हमारे समाज में क्या करते हैं, हमारे समाज में क्या देखते हैं, सभी व्यक्ति सुख पाने का प्रयास तो करती है मगर कोई सफल नहीं होती है। यानी 100% दे पर वही कॉलेज में हम एडमिशन लेते हैं, यही प्रक्रिया हम चालू रखते हैं। हमारे पिताजी को देखो, ग्रैंड फादर को सब थे, उनके पास सत्ता थी, संपत्ति थी, साधन थी, सब कुछ था, फिर भी वो सुखी हो के नहीं गए। मगर हम भी वही रास्ते पर आगे चलते हैं। तो आखिर ज्ञान पुरुष ये कहना चाहता है कि आखिर वास्तव में सुख कहाँ है, आप कहाँ ढूंढते हैं और वास्तव में कहाँ है। तो हर व्यक्ति अपने जीवन में सुख कहाँ से ढूंढना चाहते हैं, ये पांच इंद्रियों के माध्यम से, पांच इंद्रियों के माध्यम से सुख की अनुभूति करना चाहता है। किसी को अच्छा संगीत पसंद आता है तो उनको आनंद आता है, वही संगीत दूसरे को पसंद नहीं। मतलब ये व्यू पॉइंट हो गया, क्या हो गया, संगीत में सुख देने का स्वभाव नहीं, हमारी प्राथमिकता है तो हमको सुख। आंखों की बात करेंगे, हम जो चीज देख के हमको आनंद होता है दूसरे को वही चीज पसंद नहीं है, इसमें भी मान्यता हुई साधक के अंदर सुख दुख देने की शक्ति। हम अगर स्मेल की बात करेंगे
हमको जो स्मेल पसंद है वो दूसरे को तो सुगंध सुगंध के अंदर भी आनंद लेने का स्वभाव नहीं है, सिर्फ हमारी के लिए था। वास्तविकता हमको जो चीज खाने का पसंद है वो दूसरे को पसंद, यानी वहां भी क्या हो गया, खाने की कोई भी चीज में सुख देने का स्वभाव सिर्फ हमारे मन में है। हम कपड़े पहनते हैं तो हमको लगता है कि ये कपड़ा बहुत अच्छा है, डिजाइन कहो, ड्रेस कहो, पहन कहो, तो हमको ये कपड़ा अच्छा लगता है, हम पहनेंगे तो हमको आनंद लगेगा। वही कपड़ा दूसरे को पहनाओगे तो आनंद, तो कपड़े के अंदर तो आनंद देने का स्वभाव है ही है, बराबर है। ये पांच इंद्रियों से हम जो कुछ भी अनुभव करते हैं वो सभी चीजों के अंदर सुख देने का तो स्वभाव ही नहीं, सिर्फ हमारी मैं संसार में लोग कहते हैं बिना पैसा हम सुखी नहीं हो सकते, और क्या के लोग कहते हैं हमको तो सुखी होने के लिए पैसे की जरूरत, तो सबकी अपनी अपनी सोच है, मान्यता है, इसमें कोई भी ना सच्चाई नहीं। आप कई लोग कहते हैं कि हम हमारी शादी नहीं होती है इसीलिए हम दुखी हैं, और ज्यादातर लोग कहते हैं शादी होने के बाद हम दुखी हैं, तो सबकी अपनी अपनी बातें। वास्तविकता क्या है, कोई फैक्ट है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। आप सुनो, कोई भी दुनिया कोई भी ऐसी चीज है जो हम पांच इंद्रियों से भुगतान करते हैं, इसमें से कोई भी ऐसी चीज है जिनका स्वभाव सबको सुख देना है, ऐसी कोई चीज है? जो पांच इंद्रियों से अनुभव करते हैं ऐसी कोई भी चीज है जिनका स्वभाव सुख देना है कोई चीज ऐसी? सिर्फ अपनी मान्यता। और इसीलिए हम कहीं अवतारों से यही मान्यता से जीते हैं मरते हैं, मगर जो प्राप्त क्योंकि जहां आप सुख मानते हो वहां सुख का अंश भी रहे। क्या बताया, सुख का अंश भी नहीं है और दुख का अंश भी नहीं है, दोनों में से कुछ भी, सिर्फ सुख और दुख वो हमारा क्या है, मान्यता, वास्तविकता नहीं। मैं उदाहरण दूं आपको, एग्जाम्पल, अगर मैं कोई गरीब को 5 रुपया देता हूं, गरीब को 5 रुपया देता हूं उनके लिए आनंद की बात है, और कोई व्यक्ति डी एम डब्ल्यू से नीचे उतरेगा इनको 5 रुपया दूंगा तो इंसान लगेगा, तो 5 रुपया की बात है, बिलीव की बात है, तो सुख और दुख क्या है? कुदरत के हेतु ये दुनिया में सुख दुख है ही नहीं, ये दुनिया में सिर्फ कर्मों का भुगतान है। क्या है वो भुगतान? को आपको जो टाइटल लगा रहे हो लगा, मगर भुगतान तो करना ही पड़ेगा, चाहे गांव हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे माही हो, सभी को अपने कर्मों के भुगतान करने पड़ेगा। फिर आप उसको टाइटल लगाओ सुख का या दुख का, वो आपका सब। भगवान राम को जंगल में जाना पड़ा तो कभी उन्होंने कैदे को दूषित नहीं देखा, और हम जब भी रामायण सुनेंगे पढ़ेंगे देखेंगे तो हम कैदे को दूषित मानते हैं, तो आखिर क्या हुआ, मान्यता हो गई, तो सुख दुख दोनों क्या है, मान्यता। सच्चाई कि पूरी सृष्टि जो है ये पूरी सृष्टि सिर्फ कर्मों के भुगतान के लिए, इसके लिए है। कृष्ण भगवान ने अपने गीता में बताया, कर्म निवारण का रास्ते मां फलेशु, एक कर्म फलेगा
बनती इच्छा मत रखो। क्यों? क्योंकि फल तो आपके कर्मों के मुताबिक ही दो मेहनत करते हैं, ये भी गड्ढा खोदने वाला भी मेहनत करता है, एक लाख भी मेहनत करता है, आप समझे, मगर सबको सैलरी इक्वल मिलती नहीं। तो मेहनत तो सब करेंगे, मेहनत सब करेंगे, मगर सबको पैसा इक्वल नहीं मिलता है। मेहनत करने वाले को मजदूरी मिलती है, क्या मिलती है? मेहनत करने वाले को बुद्धिशाली पुलिस को सैलरी मिलती है, क्या मिलती है? और सेठ को प्रॉफिट मिलता है। नहीं समझ आया? मजदूर को मजदूरी मिलती है, बुद्धिशाली मुनीम को सैलरी मिलती है और सेठ को प्रॉफिट मिलता है, क्योंकि पुण्य इसका है। समझ आया? तो दुनिया ऐसे ही चलती है। समझ आया? आज तो कोई सेठ है ही नहीं, सभी मजदूर भी है और बुद्धि भी चला है, क्योंकि आज कलयुग है। क्या है? सतयुग में तो सेठ को मालूम ही नहीं होता था कि व्यापारी मेरा कौन सा है, मुनि को सब याद रहता था कि किसके पास कितना लेना है, कितना देना है। सेठ तो आके बैठते थे, एक दो घंटा बैठते थे और सेठ को बोलते थे कैसा है, हाँ करता हूँ, चल बोलते हाँ करता, वो चले जाते। इनको मालूम भी नहीं, क्योंकि वो सतयुग था, पुण्य का समय था और सेठ की इतनी पुण्य थी, मुनि भी ईमानदार मिलते थे और मजदूर भी ईमानदार, तो इनको कुछ सोचने की जरूरत नहीं। और वो क्वालिटी की पुण्य भी ऐसे थे, वो समय अलग था, क्या था? और उस जमाने के लोग श्रेष्ठ लोग थे, उस जमाने में सेठ को सेठ नहीं बोलते थे, श्रेष्ठ बोलते थे। वो बिना बुद्धि और बिना मेहनत पैसा कमाते थे, क्योंकि पुण्यशाली थे। तो वो सोचते थे कि इतनी सारी लक्ष्मी मेरे को क्यों मिलती है, न मैं कोई मेहनत करता हूँ, न कोई बुद्धि लगाता, इतना पैसा क्यों मिलता है? तो बोला लोगों के माध्यम से मिलता है। क्या है? जो बिजनेस करूंगा वो लोग खरीदेंगे तो इसका प्रॉफिट मेरे को। फिर वो सोचते हैं कि आखिर मैं क्या करूं? तो जितना पैसा मिलता है उसमें खाना पीना, खाना अच्छी तरह, परिवार को अच्छी तरह रखना और बाकी के पैसे समाज के लिए यूज कर उपयोग कर देना, ये उनकी सोच थी। पैसा रखेंगे तो किसी की नीयत खराब होगी, समाज में बांट दो, इसमें क्या बात होगी? समाज में बांट दोगे तो मान तो मिलने वाला है, कभी भय नहीं, क्या बचा है? और दूसरी बात, समाज को पैसा बांटोगे, ये एक्सपेंस नहीं है, इन्वेस्टमेंट है। क्या है? आज आप जिसके लिए खर्च कर रहे हो विदाउट ब्लड डोनेशन, वो आपका इन्वेस्टमेंट है, कोई व्यक्ति आपको प्रॉफिट देगी, कोई ऊपर से आता है, ये कुदरत का कानून समझो। इनको बहुत डर है, कभी भी जाने तो मेरा कहने का मतलब, ऐसे अपने समाज के अंदर हर व्यक्ति जीवन जीते, वो पुण्य से अपना जीवन जीते हैं तो पाप और पुण्य दोनों कर्मों का फल है। मगर हम जो सच्चा सुख की प्राप्ति करना चाहते हैं, आखिर वो कहाँ है? सबसे बड़ा प्रश्न है, हम जो सनातन सुख प्राप्त करना चाहते हैं वो कहाँ है? बाकी जो हम सुख मानते हैं वो तो जड़ पर है और वो हमारी मान्यता है, हकीकत नहीं है।
हमको तो वास्तविक सुख चाहिए। यही बात जैसे शुगर होगी, शुगर और शुगर का छोटा छोटा पीस मैं सबको दे दू और अपने मुंह में रखेंगे तो सबको टेस्ट एक लगेगा कि अलग अलग लगेगा, एक ही लगेगा, क्योंकि शुगर का स्वभाव है मिठास, वो किसका स्वभाव है? ऐसे दुनिया में कोई भी चीज का स्वभाव सबको सुख देना है नहीं, और हमको सब सुख चाहिए, मगर आज तक हमने जहां सुख नहीं था वहां से ही सुख प्राप्त करने का प्रयास किया, सुख नहीं था वहां से सुख प्राप्त करने का प्रयास, और इसीलिए आज तक हम सफल नहीं। तो ज्ञान भी ये कहना चाहते, ज्ञानी पुरुष ये कहना चाहते आखिर वास्तव में सच्चा सुख कहाँ है। अनेक महापुरुष बने, सनातन सुख, शाश्वत सुख, परमानेंट हैप्पीनेस कैसे और कहां से अनुभव किया, ये हमारे सबके लिए सबसे बड़ा प्रश्न है। तब ज्ञान पुरुष कहते हैं सुख बाहर नहीं अंदर है, कहां से अंदर, अंदर का मतलब आत्मा के, इसके अंदर ये फिजिकल बॉडी नहीं आत्मा। अगर बॉडी में सुख होता तो ये डॉक्टर लोग ऑपरेशन करके निकाल देते, मगर ऐसा आत्मा के अंदर सुख, और सुख ये इनका स्वभाव है, क्या है, क्योंकि आत्मा ही अनंत सुख वाला। मगर हमारी दृष्टि सुख खोजने के लिए बाहर है, और सुख कहाँ है फिर मिलेगा? यहाँ दृष्टि परिवर्तन की बात है, धर्म परिवर्तन की नहीं। क्या परिवर्तन करना है? दृष्टि, धर्म परिवर्तन नहीं करना है। धर्म तो इससे बहुत करते हैं, मन वचन काया से, और दृष्टि वो अंदर की बात है, वो दृष्टि में जैसा पुरुषार्थ रहेगा इसी प्रकार का आपको फल मिलेगा। अगर संसार में दृष्टि रहेगी तो संसारिक फल मिलेगा, अगर आत्मा की ओर दृष्टि रहेगी तो धीरे धीरे संसार का अज्ञान खत्म हो जाएगा और हमारे अंदर शांति, स्थिरता, समाधान, निर्विचार दशा, निर्विकल्प दशा, समभाव, ये सब अपने आप प्रकट होता है, अपने आप प्रकट, क्योंकि आपको संसार में कोई इंटरेस्ट है नहीं, तो अंदर राग द्वेष भी नहीं होता, और आपको मात्र इंटरेस्ट रहे आत्मा में। तो आत्मा के अंदर अनंत सुख या शाश्वत सुख ये इनका स्वभाव है, क्या है स्वभाव। मगर अभी ये शाश्वत सुख की अनुभूति अगर हम करना चाहें तो कैसे करें, और अंदर आत्मा है वो शब्द से तो मानते हैं मगर हमारे पास कोई ठोस प्रमाण नहीं, शास्त्रों के माध्यम से या गुरु भगवान के माध्यम से हम इसको मानते तो है मगर हमारे पास इसका कोई प्रमाण नहीं। तो क्या कैसे हम आत्मा को माने, प्रमाण के साथ शास्त्रों में लिखा है इसीलिए नहीं, गुरु भगवान फरमाते हैं इसीलिए नहीं, हमको खुद को एहसास होना चाहिए, और होगा तभी तो आपको इंटरेस्ट आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, क्योंकि हिंदुस्तान में मैं आत्मा हूं वैसा तो सब जानते हैं, ये कोई नई नई बात, और हिंदुस्तान में हर धर्म में आत्मा की बात कही गई है,
पहले पहचान कैसे करेंगे, फिर कहेंगे कि आत्मा को सुख है कि इसके लिए पहचान क्या है। सबसे पहली बात आत्मा की पहचान, अगर आत्मा नहीं है तो ये शरीर का अस्तित्व हो सकता है, हो सकता है? आत्मा नहीं है तो हम सोच सकते हैं, आत्मा नहीं है तो हम बोल सकते हैं, आत्मा नहीं है तो कोई भी क्रिया कर सकते हैं, आत्मा नहीं है तो शरीर कोई भी प्रकार की भुगतान कर सकता है, आत्मा नहीं है तो नए कर्म चार कर सकते हैं, आत्मा नहीं है तो पुनर्जन्म हो सकता है, आत्मा नहीं है तो पुनर्जन्म किसका इसका होगा, इसको तो जगा दिया है, आत्मा है तभी पुनर्जन्म है, और आत्मा नहीं है तो, और सबसे बड़ी बात आत्मा नहीं है तो मोक्ष हो सकता है, आत्मा नहीं है तो सुख दुख की अनुभूति हो सकती है, इसको होती है, इसको होती है, गोल्डन सिल्वर को होती है, डायमंड को होती है, पैसे को होती है, क्यों नहीं होती है? है बिना आत्मा कोई भी प्रकार की अनुभूति हो सकती है, ये सब प्रमाण है कि आत्मा है तो ही ये सब कुछ चीजें हो सकती है, नहीं तो हो सकती। तो पहले आत्मा का होना मैं रहता है, फिर दूसरा प्रमाण बताओ कि आत्मा में सुख है कहीं, ये दूसरा प्रमाण। हम आत्मा है तभी सुख दुख की अनुभूति कर सकते हैं, मान्यता के अनुसार क्या बताया, अगर हमारे पास अज्ञान है तो हम साधन संपत्ति संबंध और सत्ता में सुख दुख की अनुभूति कर सकते हैं, आत्मा है तो नहीं है, और शाश्वत सुख की अनुभूति भी आत्मा है तभी कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। आप देखो क्या कहोगे, गोल्ड सिल्वर डायमंड पैसा बंगला मोटर गाड़ी सब में सुख है ऐसा मान लो, ठीक है, और शरीर भी आपके पास है मगर आत्मा नहीं है, तो शरीर तो है अनुभव करने के लिए मगर आत्मा नहीं है, तो आत्मा के अंदर सुख ये का स्वभाव है मगर अज्ञानता के बस हमने बाहर सुख माना मान्यता से, और इसीलिए बाहर सुख हमको लगता है क्षणिक, क्या बताया, मगर है मगर वो क्षणिक सुख भी बिना आत्मा अनुभव नहीं कर सकते। तो ज्ञानी पुरुष ने ये कहा अगर आपको टेम्परेरी सुख चाहिए तो पाप उनमें से बाहर से मिलेगा, और परमानेंट सुख चाहिए तो मगर बाहर का सुख टेम्परेरी है, क्या है, आज है और कल, अभी मेरी सोच अच्छी है तो मेरे पानी जाएगा, थोड़े समय के बाद सोच बदल दिए तो फिर दुख होगा, समय समय पर परिवर्तन होता है, बाहर अंदर का सुख कभी परिवर्तन, क्योंकि वो शाश्वत सुख है, कैसा है, तो शाश्वत सुख है वो ही मेरा खुद का यानी आत्मा का स्वभाव है। तो सबसे पहले आत्मा, आत्मा का स्वभाव सुख, दूसरी बात कहीं यंग जनरेशन ऐसा मानती है कि दुनिया में पुनर्जन्म है ऐसा हमने पढ़ा है सुना है मगर हम मानते हैं क्योंकि देखा नहीं, आज नई जनरेशन नहीं मानती, तो मैं सबके बारे में प्रूफ देता हूं, क्या देता हूं, नॉलेज में प्रूफ, कोई भी बुद्धिशाली व्यक्ति उनको एक्सेप्ट करे तो पुनर्जन्म है इनका प्रूफ क्या है, जैसे हम कॉज एंड इफेक्ट को मानते हैं कि नहीं मानते हैं, कॉज एंड इफेक्ट सिंपल भाषा में एग्जाम एंड रिजल्ट
जन्म लेते हैं, पैदा होते हैं, पैदा होते ही माता पिता मिलता है, भाई बहन मिलता है, रहने का घर मिलता है, जन्म मिलता है, वो एग्जाम है या रिजल्ट है? अगर इसको रिजल्ट होंगे तो एग्जाम कब दिया, क्योंकि एग्जाम पहले होती है। अगर इसको रिजल्ट होंगे तो फिर एग्जाम कब दिया? बिना एग्जाम को रिजल्ट नहीं होगा जीवन में
जन्म और मृत्यु दोनों तो पिछले अवतार के कर्मों का फल है। तो जीवन क्या है? जन्म और मौत के बीच जो मन वचन आया से हम जीवन जीते हैं, 60, 70, 80, 90 जो भी है जीवन जीते हैं। वो जीवन कैसे जीते हैं? अपनी मर्जी से, अपने इच्छा से या पिछले अवतार के कर्म से? पिछले अवतार के कर्म से, यानी जन्म जीवन और मृत्यु तीनों पिछले अवतार के कर्मों का फल है। जीवन पिछले अवतार के कर्मों का फल कैसे है मालूम हुआ, ताकि इसे कैसा तो हो जाए। हम सोचना चाहेंगे मगर सोच हमारे हाथ में, अच्छा सोच रखना चाहते हैं मगर रखते नहीं, और बुरे नहीं करना चाहते हैं सोच तो भी चलते रहते। हम कुछ भी बोलना चाहते हैं अच्छा तो बोल नहीं सकते, और बुरा नहीं बोलना चाहते तो भी खराब वर्तन, हम जो कुछ भी करना चाहते हैं अपने जीवन में वो कर नहीं सकते, और नहीं करना चाहते हो किसान तो वो है क्या? हमारा पूरा जीवन वो डिपेंड ऑन सर्कमस्टेंसेस, संजोगों के ऊपर आधारित, इसमें हमारी फ्रीडम नहीं है। सब में है क्या? हमारा पूरा जीवन जो मन वचन काया से चलता है वो टोटली संजोगों के ऊपर आधारित है। हमने रात को सोचा कि हम तो सो जा रहे हैं तो विचार करना नहीं, फिर भी क्या होता है क्योंकि हम उसके कंट्रोल में, हम नहीं बोलना चाहते फिर भी बोलना पड़ता है हमारे हाथ में, हम नहीं करना चाहते फिर भी करना पड़ता है, वो भी हमारे हाथ में। यानी मन वचन काया और जन्म से मौत तक का पूरा जीवन जो है वो हमारे कर्मों के ऊपर आधारित है, इसको कहेंगे कर्म फल। तो डेफिनेशन क्या है कर्म फल की परिभाषा? कर्म फल की परिभाषा ये है, जन्म से मौत तक मन वचन काया से जीव जो कुछ भी करता है वो 100% कर्म फल है। क्या है? इसमें कर्मों का अंश नहीं है। क्या लिए? जन्म से मौत तक मन वचन काया से जीव जो कुछ भी करता है वो सब कर्म फल, इसमें कर्म का अंश नहीं। तो ये कर्म फल की परिभाषा। तो हम आगे जाएंगे तो फिर नए बर्थ के कर्म इस बर्थ में कैसे बने? बोलिए, नए बर्थ के कर्म, नए जन्म के कर्म इस जन्म में कैसे बने बताइए? जो भी उत्तर आता है बता सकते हैं, मतलब जितना हो सके आप प्रतिकारियों से बचत करेंगे ताकि आने वाले जन्म में कर्म अपने अच्छे हो, मगर वो हमारे हाथ में है। संयोग आता है उसमें कहीं ऐसे दो रस्ते होते हैं, तो अपन प्रिफर ये करते हैं कि जितना हो सके उसको अवॉइड करें, जिससे दुष्ट कर्म का बंधन वगैरह नहीं हो, और जितना हो सके अच्छे कर्मों का बंधन हो ताकि आगे उसको अच्छा फल मिल सके। मतलब राम को युद्ध करना पड़ता, उनके पास ऑप्शन था। राम ने रावण के साथ युद्ध किया उस समय उसके पास ऑप्शन था। ऑप्शन नहीं था उसके पास, आपके पास है? अगर होता है तो अगर नहीं ऐसा है दो मार्ग है। नहीं, किसके पास है? एग्जाम्पल तो देना पड़ेगा आपको, तो फिर आप समझाओ कैसे हो। आपको आपको पहले आपकी सोच रखनी है, तो उत्तर देने वाला हूँ। हर व्यक्ति को मौका मिले अपनी सोच को प्रदर्शित करने के लिए, मैं तो बताने वाला हूँ, मगर आपको आपकी सोच रखना है तो आप कह सकते हैं, तभी तो कैसा होता है। मैं तो उत्तर नहीं वाला हूँ, मगर आपको मालूम है कि मेरी आज तक की जो सोच है, पढ़ाई है, सुना है, वो सही है या नहीं है, वो तो समझ आएगा। तो आप किसी को उत्तर देना है और किसी को देना है उत्तर,
करेंगे। Gracias.
आपको ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, तभी आपको पुण्य मिलेगा, यही बताते हैं ना। वो तो क्रिया की बात है, क्रिया के अंदर जो भाव रहता है वो बराबर है, वो बराबर है, वो तो हमने बाद में बता रहा है, वो आपको याद है, मगर दुनिया में कौन बताता है यार। हर व्यक्ति कहते ये क्रिया करोगे उसार से, ये क्रिया करोगे पुण्य मिलेगा, ये क्रिया करोगे पुण्य मिलेगा, वही बताते हैं। हमने तो भाव
वेरी सिंपल क्या बताए इसमें कोई का गोल गोल एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है सच्चाई को समझना और इसीलिए आध्यात्म सच्चाई को समझने के लिए व्यवहार क्या रिलेटिव सत्य क्या धार्मिक क्या वो तो किताब में है धर्मगुरुओं के पास भी है इसको मैं क्वेश्चन नहीं करता हूं सनातन सत्य का ज्ञान नहीं क्योंकि वो अनुभव से आता है किसे आता है वो नॉलेज से नहीं आज पूरी गीता कंठस्थ करते हैं गीता का अर्थ भी कंठस्थ करते हैं हजारों लाखों लोगों को वो गीता को समझाने की कोशिश करता है फिर भी वो कृष्ण नहीं बन सकता क्योंकि नॉलेज एक्सपीरियंस आज मैं बाकी कितनी बात करूंगा फिर भी बाकी नहीं बन सकता क्योंकि नॉलेज है क्या है अनुभव होना तो ऐसे महान पुरुषों को अपने जीवन में अनुभव हुआ तभी वो मुक्ति की ओर आगे गए नॉलेज से नहीं गए अनुभव एक्सपीरियंस समझ में आया तो ये कर्म भाव से बनते हैं क्रिया से और कर्म की भूमिका मन वचन काया की क्रिया से है वो भाव से तो दोनों के बीच लाइन हो आज वर्ल्ड में कहीं भी जाओ कोई भी साधु संत सन्यास के पास चले जाओ इनको सिंपल प्रश्न करो सिंपल सिंपल प्रश्न कि कर्म और कर्मफल की परिभाषा बनाओ परिभाषा समझ रहे यानी क्या तो कारण और प्रसार की डेफिनेशन बनाओ वो नहीं बताएगा वो आपको किताब नहीं देंगे 300 पन्ने की मगर उत्तर कहां से आएगा उनके पास उत्तर नहीं है उनके पास नॉलेज है ऐसे है डेफिनेशन ये विजन की बात है ये नॉलेज की बात मैंने सिंपल बता दिया भाव से कर्म करते हैं एक ही में और मन पूजा करना ही पूजा आरती
शिक्षक है वो ही कृष्ण है। ऐसा हमने अभी तक सुना था हर घर में, मगर 24 में से एक भी तीर्थंकर एक भी मंदिर नहीं बना दिया। आया था 24 में से एक भी तीर्थंकर नहीं बना दिया। अगर वो मोक्ष मार्ग के लिए सहायक होते तो नहीं बना बताइए ना, समझ में आया? एक भी संस्था नहीं बना था। तो भारत को समझनी पड़ेगी, क्रांति का ज्ञान कब तक चलेगा और उससे हमारी प्रगति संभव नहीं। प्रगति संभव तो ये बात है, और इसीलिए मैंने इतनी सारी बातें सिंपल भाषा मैंने पहले समझाने की कोशिश किया। सो कहा है बाहर है के अंदर वो भी नहीं बताया। दूसरी बात, आत्मा का बोध दिया, आत्मा में सुख है वो भी आपको समझाया। पुनर्जन्म की बात मैंने समझाया, कर्म का सिद्धांत मैंने समझाया, कर्म और कर्म फल की परिभाषा मैंने समझाई, आप समझे? और स्वभाव में रहोगे तो मोक्ष भी हो सकता है। सब बातें मैंने फंडामेंटली बता दिया। अभी आप सबको जो भी प्रश्न करना चाहते हैं तो प्लीज माइक पे कर सकते हैं, और जैसे ही प्रश्न खत्म हो जाए माइक बंद कर दो, प्रश्न पूछना है तो माइक चालू कर दो ताकि आवाज नहीं जाए। समझ आ गया? समझ आ गया सबको? अभी जिसको प्रश्न करना है कर सकते हैं, एक एक करके चालू करो, अपना समय तो चलता रहेगा। और मैं नहीं समझता हूं कि दुनिया में कोई व्यक्ति ऐसा कहेगा कि मेरे को प्रश्न नहीं हो, ये इम्पॉसिबल बात है। क्या है? छुपाना तक बात है, मगर प्रश्न नहीं है ये मैं मानता नहीं हूं कि मेरे को प्रश्न नहीं है। जीवन में प्रश्न ही प्रश्न है, क्या बता? तो प्रश्न नहीं हो तो प्रश्न है। आत्मा किस किस चीजों में होती है? लाइक प्लांट्स, एनिमल्स, स्मॉल एनिमल्स, कीड़ी मकोड़े, एक एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक सभी जीवों में आत्मा है। पृथ्वी, अग्नि, वायु, वनस्पति, जल, इसमें भी आत्मा है। पृथ्वी का, अग्नि का, वनस्पति का, जल का, वायु का, इसमें भी है। इसके अलावा सभी प्रकार के मनुष्य एनिमल में भी, इसके अलावा नर धरती के जीवों की आत्मा है, इसके अलावा देवलोक के जीवों की आत्मा है। इन सब ये पूरा ब्रह्मांड जो खींचों की भरा है वो जीवों से भरा है। किसे भरा है? ये हवा में भी वायु का जीव है, क्या है? पानी में भी जीव है, अग्नि में भी, वनस्पति में भी, और पृथ्वी में भी। अगर जीव नहीं होते तो वनस्पति कैसे होती? तो जहां हर जगह पे कि पूरी सृष्टि जीवों से भरी है, और जीव तब जीव उसको तब तक कहेंगे इसके अंदर आत्मा है। आत्मा निकल गया तो इसको मोटा हो गया जीव। फिर गोविंद रहे, गोविंद से पांच इंद्रिय तक,
जो सब्जियां वगैरह वो रहती थी तो वो खाते हैं, बाकी लोग उन्होंने खाते वो उनका अलग है। तो एक कर्म तो सतत होता ही रहता है, तो उसका अलग कैसे? मैंने पहले भी बोल दिया कि मन वचन काया कर्मों की भुगतान का साधन है, कर्म करने का साधन नहीं है। तो उसमें उत्तरा क्या? कैसे एक बार मन वचन काया वो कर्मों की भुगतान का साधन है, वो कर्म करने का साधन नहीं है। होते हैं तो फिर हमें खाने के लिए के जैसे उस तरह की बात करते हो क्या? किसकी बात करते हो? नहीं, आत्मा की नहीं। तो जो कर्म बनते हैं ना, आपका प्रश्न क्या है? आप खाना खाते हो, शरीर खाना खाते हो, शरीर पालन करते हो बराबर, शरीर वाला पालन करते हो बराबर, और ये शरीर जो कुछ करती है वो सब कर्म फल है, वो मैंने पहले बता दिया। फिर से कर्म कैसे बनेंगे? ठीक है, तो फिर एक दिन से मैं बजरी खाने की गई तो ये दिन में बताया गया है जमीन खाने आलू प्याज वो बहुत जीव लेकर के, तो वो करते थे क्या? वो खाते थे जो भी क्रिया कर्ता भाव से करोगे तो कर्म फल होता है, और जो भी क्रिया अकर्ता भाव से करोगे तो कर्म फल नहीं होता। हिंसा करोगे तो भी ओ ये जान समझ लो, छोटी छोटी बात को मत बोला जाओ, छोटी छोटी बात गलत नहीं है। अगर कोई बच्चे को सिखाया जा रहा है फर्स्ट स्टैंडर्ड सेकंड स्टैंडर्ड थर्ड स्टैंडर्ड तो उनके लिए बड़ा बात है, हम सब तो मैच्योर हो गए, अभी बच्चे जैसी बात कब तक करते रहेंगे? लेकिन बार बार ये आप समझे ना, मैंने कहा दुनिया के हर धर्म को बालक के लिए है, किसके लिए? बच्चों के लिए। जो व्यक्ति ये दुनिया का सनातन सत्य नहीं समझता है उनके लिए बाल धर्म के लिए सब धर्म बनाए गए हैं। अगर आपको ज्ञान धर्म में जाना है तो ये बाल धर्म से आपको ऊपर जाना पड़ेगा, नहीं तो भ्रम का धर्म आपके पास है, ये करने से पाप, ये करने से पुण्य। कितने अवतार को हमने जाना है, कितने अवतार से यही ज्ञान आया है आनंद होगा, पर वो भी मान ले जाओ कि लाखों लोगों को शिक्षा से ना वही अवतार में पूछा जाए और लाखों लोगों को मोक्ष में जाने ले जाने वाला कुछ तो पुण्य नहीं बना, ये भी मान ले। हाँ तो क्यों नहीं बना? बहुत विभ्रांति आप समझे, तो कुदरत का कानून सबके लिए एक ही आधार पर है, मगर ये आप जानते नहीं। यही तो भ्रांति है, ये बच्चों का ज्ञान बार बार सिखाया है, पता हो गया मैं खेल हो गया बराबर से। अभी आपको निकालने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हाँ कितने अवतार से पक्का किया है, क्रिया करने से पुण्य होगा, क्रिया करने से पाप होगा, ये सिखाया है। हाँ और कुदरत कहती है मैंने किसी को स्वास्थ्य लेने की भी स्वतंत्र सत्य नहीं दिया है, सही है गलत? सही सही बिल्कुल। तो कोई भी क्रिया बिना स्वास्थ्य ले सकता है? नहीं। समझ जाओ, एक न एक दिन सनातन सत्य को समझना पड़ेगा, क्योंकि वो कुदरत का कानून है, वो किसी ने बनाया नहीं। अगर आप वास्तव में मुक्ति के मार्ग अध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ना है तो सनातन सत्य ही एक रास्ता है, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं, बाकी सब धार्मिक रास्ता है जिसे पापों से बचो और धुले, इसके अलावा और कोई रास्ता उसमें नहीं। बिल्कुल एक दिन तो सच्चाई समझनी पड़ेगी, हम कहां तक पाल कर रहे हैं, फिर दुनिया क्या करती है वो छोड़ दो, राम गए कृष्ण गए भाग गए चौबीस जितने गए दुनिया की चलती रही नहीं चलती रही। अगर वो सोचे कि नहीं हम दुनिया को साथ में लेकर मुझ में जाएंगे तो वो जा सकते हैं? तो मेरे लिए सोच रहा है दुनिया के लिए सोच रहा है, जब मुक्ति की बात आती है
समझ में आया? महावीर की धर्मपत्नी का नाम भी यशोदा और बुद्ध भगवान की धर्मपत्नी का नाम भी यशोदा और मोदी की धर्मपत्नी का नाम भी यशोदा। नहीं समझ में आया? तीनों ने छोड़ा। नहीं समझ में आया? मगर दुनिया की अच्छाई अपने स्वार्थ के लिए देखो, ये कुदरती है, किसी ने बनाया आपने सही हो समझना तो पड़ेगा। सही हो आप समझे? यस। हमको कैसे पता चलता है कि ये लोग मोक्ष में गए और ये लोग मोक्ष में नहीं गए? वो केवल ज्ञान का प्रश्न, वो केवल ज्ञान ही बताने वाली कर दिया। हम जान सकते हैं हमारे पास कितना ज्ञान नहीं है कि कौन मोक्ष में गए वो हम बता सकते हैं, मगर केवल ज्ञान जो बताया है किताब में साथ में वही बताया, वो हम कुछ बता नहीं सकते। उनका बताया हुआ जो बता सकते हैं, इनकी बातों को प्रमाण मानते हैं आप सुनो। इसमें हम ये नहीं कहेंगे कि मैं अपने ज्ञान से उनको देख सकता हूँ, वो मेरा सब्जेक्ट, मेरा सब्जेक्ट की कुदरत का कानून क्या है वो, और वो मेरा खुद का दर्शन है परम ब्रह्म। मगर मोक्ष में कौन है कौन, वो केवल ज्ञान मेरे पास नहीं, तो मैं खुद से तो नहीं बता सकता। मगर जो हमारे निर्गुण भगवंतों ने, केवल भगवंतों ने जो बताया है उसी को प्रमाण मान के हम बता रहे हैं। इस सतयुग में प्रश्न करने का मौका मिलना, ये कलयुग में प्रश्न करने का मौका मिलना एक सौभाग्य होता है, क्योंकि ज्यादातर प्रवचन और उपदेश के अंदर प्रश्न करने की अनुमति होती ही नहीं है। यह सुनो, प्रश्न कर भी दिया तो उधर भी, और ये आपके सामने से कहता हूं ना, करो करते नहीं, आदत से पड़ गई। फिर घर पे क्या कहेंगे भाई साहब, वो साधु भगवान ने जो गिरा को दिया हमको तो समझ में नहीं आया, क्योंकि कोई पैसा करने का मौका नहीं, हम यह समझाने के लिए बैठा हूं और नहीं समझ में आया कैसे करना है उसका, तो ऐसा नहीं करते। ये भी क्या है, पहले पहले सूत्र जब वो मोक्ष मार्ग के लिए जो लायक और सहायक समझो वो कैसे मिल सकते हैं या हम उनकी पहचान कैसे कर सकते हैं? मोक्ष मार्ग की लायक और सहायक समझो वो आपकी भावना है और संजोग देने वाले कुदरत कौन है? जैसे मैं इंदर गति के लायक कर्म करूंगा, इंदर गति कौन देंगे, वहां के संजोग कौन देंगे, इसमें चॉइस है। मैं देवलोक के लिए लायक कर्म करूंगा तो देवलोक का शरीर कौन देंगे, संजोग कौन देंगे। मैं पाशव का वहां पशु योनि का कर्म करूंगा तो पशु योनि कौन देंगे, संजोग कौन देंगे। हमारा काम भाव करना है और कुदरत का काम नहीं सकते, इसमें कोई चॉइस। मैं नर गति के भाव किया, फिर मेरी चॉइस नहीं, मेरे को नर गति में जाना है या नहीं जाना है। कुदरत को क्या करेंगे, इधर देंगे, बॉडी भी देंगे और संजोग भी, वो भी भाव करेंगे मेरे को नर गति में जाना है। मगर भाव जो है वो भाव की क्वालिटी नर गति जैसी है, इसीलिए कुदरत नर गति देती है और संजोग भी, इसमें चॉइस। अगर आपने पास भी कर्म किया तो पशु योनि की कुदरत देगी और पशु योनि के संजोग की
कुदरत हमने मान लिया करना चाहिए तो मनुष्य भी कुदरत है और संजोग भी तो भाव से भाव का है क्या बताया हमारा काम भाव करना है हे परमात्मा हे अंतर्यामी परमात्मा हमको मोक्ष मार्ग के लिए लाया और सहाय संजोग प्राप्त हो प्राप्त हो प्राप्त हो हमारा यही भाव है हमारा हमारे मन वचन काय को पसंद है लायक है या संसार के लिए लायक हो सकता है ऐसा संजोग हमको नहीं मोक्ष मार्ग के लिए लायक हो सकता है चाहे मैं मिले चाहे झोपड़ी मिले मगर मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक होना ये हमारी भावना हो और आपके भावना के अनुरूप कुदरत आपको संजोग तो भावना करते समय मोक्ष मार्ग का अलग से होना चाहिए मोक्ष मार्ग का लक्ष्य तो रहेगा मगर मोक्ष मार्ग के लक्ष्य के अनुरूप भाव भी तो होने चाहिए मैंने कहा कि मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक है वो भाव होगा हाँ वही वही Yeah.
जो अच्छा लगता है आप मोदी जी बार बार बोल रहे हैं, तो सभी यही है, मैंने तो मेरा मानना है जो अच्छा लगता है उसको लोग बड़ा मानते हैं, समाज में या कहीं भी देखेंगे जो भी अध्यक्ष पद पर के लिए आएगा वगैरह, तो वही देखते हैं कोई आदमी बोलने में होशियार रहेंगे। नहीं मगर आज भी ये विज्ञान सुनने वाले सुन रहे हैं, आपको मैंने सत्संग में पहले दिन भी कहा था कि मैं 5-25 व्यक्तियों के लिए ही सत्संग नहीं करता हूँ, जब भी करता हूँ मेरे किसान में बोल का होगा तो ये 10 लाख लोग सुनने वाले खुद की लिए आप समझे, तो मैं 10 लाख लोगों को ध्यान में रखकर बोलता हूँ, मैं 25 व्यक्तियों को ध्यान में रखकर कभी नहीं बोलता हूँ, और इसलिए मेरी वाणी में बंद होती है, समझते हो, मैं कभी नहीं सुनता हूँ यहाँ की तरह, मैं ये सुनता हूँ ये बात दुनिया के लोग कैसे समझे, इसीलिए ये मेरी विजन होती है, मैं सिर्फ आपको ही कन्विंस करने के लिए नहीं बैठा हूँ, हर व्यक्ति जो सुन रहे हैं इनको कन्विंस होना चाहिए, ये मेरी सोच है। और आप टीवी के अंदर हर रोज मॉर्निंग में 9:30 जो आता है सत्संग, वो 10 लाख लोग सुनते हैं, अभी आप सुनते तो मैं यही करके रहता हूँ, और बाकी संख्या का इम्पोर्ट मेरे विजन में है ही नहीं, श्रीमद याद करना को पहचानने वाले चार लोग थे, आज बोले लाख लोग पहचान, आज के नाम के सुबह तो लाख लोग पहचान लेंगे, जिंदा कभी नहीं पहचान, तो वो बड़ी बात, बात ये होती है कि महान पुरुष जो अपने अनुभव की बात लोगों के सामने पेश कर देते हैं, आज लोग तो कर अगर आपकी बात में सच्चाई होगी पावन होगा तो कल दोनों लोग सुनेंगे, प्रश्न आज कल का नहीं है, प्रश्न है आपकी बात में पावन होना चाहिए, इंपॉर्टेंट बात है, तो संख्या के ऊपर कभी मत जाना, मैं राजा भगवान की बात करूंगा, तो राजा भगवान को ज्ञान और मैत्री ब्यूटी एक हो, 4 साल तक कोई व्यक्ति उसको पहचान नहीं, 4 इयर्स और 62 से पहचान की बिगिंग हुई और 62 से 70 हुई, बाद में 10 साल तक कभी 25 व्यक्तियों के सामने प्रवचन मिलते हैं, हाँ पहचान लेने के बाद ज्ञान मिलने के बाद 4 साल उसके बाद 10 साल की बात करता है, टोटल 14 साल, तो बड़ी बात नहीं है। आज नरसिंह मेहता को मानते हैं, महात्मा गांधी जी मानते हैं, उस समय उसको सुनने वाले 10 लोग भी नहीं थे कि जिंदे थे उसकी बात करता है, आज मीरा को कितना मानते हैं, उस समय कोई नहीं मानता था, आज कबीर को कितना मानते हैं, उस समय इतने लोग नहीं मानते, तो ये बड़ी बात थोड़ी है, ग्रेट क्या करें, जब व्यक्ति जिंदी होती
हैं, समझ नहीं पा रहे, मुर्दा होने के बाद किताब को खोकर समझ कर यही तो लोगों की पुण्य है। आज रात को हमारे को लोग जिंदा नहीं पहचान सकते, तो तुम अंदर ही है, मर जाएगा तो गुरु उम्र को पहचान सकते दिया करता है स्पीड दिया को कम से कम बाहर में तो पहचान मगर जिंदा पहचान होंगे वही आपकी ग्रेटनेस होगी आगे बढ़े। इतना जरूर ध्यान रखना, हम सबको मालूम है कि हम जब बीमार होते हैं तो डॉक्टर कैसा चाहिए, फोटो वाला, चौपी वाला या जिंदा? अगर मेरे को कॉल कैसे है तो लॉयर कैसा चाहिए, फोटो वाला, चौपी वाला? अगर मेरे को इंटर कैसा प्रॉब्लम है तो सीए कैसा चाहिए? अगर मेरे को मकान बनाना है तो इंजीनियर कैसा चाहिए? ये सब चिंता की है, खाली भगवान की फोटो और किताब में मूर्ति में चलेगा, ये हमारी सोच है। दिस इज टू बी कॉल्ड कलयुग। तो इसी के हम बनाते हैं कि कलयुग में ऐसा ही होगा, ये कोई नई बात, मगर फिर भी इतने लोग सुनते हैं, अच्छी बात है। ऐसी ध्यान रखें, अभी कितने कम लग रहे हैं, वो काउंट करने की जरूरत नहीं है, आप समझे? और मेरे को विश्वास है, इतना आत्मविश्वास है मेरे पास कि ये विज्ञान दुनिया के करोड़ों लोगों को आज नहीं तो कल समझना ही पड़ेगा। And there is no any other option। इतना मेरे को इस विज्ञान के ऊपर विश्वास है, मेरे पर नहीं, विज्ञान पर। क्योंकि आज तक किसी ने सनातन सत्य बताने की इस कलयुग को किसी ने कोशिश भी नहीं की। सब लोगों ने धर्मों की बात बताने की कोशिश की और अपने धर्म संप्रदाय को मजबूत किया, मंदिर बनाए, संस्था बनाए, शिष्य बनाए, प्रसंगों का सेलिब्रेशन किया, ये किया, मगर सनातन सत्य बताने की कोशिश अगर वो बताएंगे तो अपना संप्रदाय चलेगा। वो भी एक कारण हो सकता है कि लोगों को ऐसा लगता है कि अपने संप्रदाय का या अपने धर्म का कोई सेशन छोड़ के ऐसे एक सेशन में जाने से उनके जो बोले फूल से भरा हुआ है कहीं उससे खंडन नहीं हो जाए, वो भी थॉट हो सकता है लोगों के मन में। लोगों के मन में जो भी आप समझो, इतना जरूर ध्यान रखो, हर धर्म वाले व्यक्ति उनको जहाँ पसंद होता है वो धर्म के अलावा भी चाहते हैं। यह सुनो, आज तिरुपति बालाजी कितने लोग जाते हैं, क्या सभी का मूल धर्म है? साईं बाबा कितने लोग जाते हैं, सभी का मूल धर्म है? बताइए, देवगुरु तो आपके पास कितने लोग जाते हैं, क्या लोगों का मूल धर्म है? बुद्ध भगवान के पास कितने लोग जाते हैं, क्या मूल धर्म है? जब लोगों की जरूरत होती है तो जाते ही है, वो इसमें बीच में नहीं आता है कि राम ने क्या कहा, कृष्ण ने क्या कहा, माधु ने कहा, मेरे को जरूरत है, मैं तो बाद में जाऊंगा, चुनरी वाले के पास भी जाऊंगा, नींबू वाले के पास भी जाऊंगा, चादर वाले के पास भी जाऊंगा, रेस्टोरेंट के पास भी जाऊंगा, वहां धर्म बीच में नहीं आएगा, यह समझो। तो इसलिए ये मैं कहूँ कि लोग अपने धर्म को अलावा नहीं करना चाहते हैं, मगर जब इसको देखकर आपकी है तभी वो धर्म है। आप समझ में आया? अभी आज जो जितनी हुई चर्चा कल का विषय क्या रहेगा, इससे अलग रहेगा आगे इससे आगे थोड़ा क्वेश्चन आज क्या है? आज तो मैंने यही बता दिया, अब तो मैं बेस तो नहीं बता दूंगा, तो एक भी बात आप बताइए। इसलिए कल कोई आना चाहे और वापस अगर ये चीज कल डिफरेंट अलग नहीं को प्रश्न होगा तो शॉर्ट में बता दो, ये बात ऐसा मैं नहीं बताऊ, इतना विस्तार से तो नहीं बता सकते, आप समझे? शॉर्ट में मैं रिवीजन कर सकता हूँ 5-10 मिनट के अंदर, लंबा तो नहीं बता सकता, और वो बता देता हूँ रात को पुराण में वो निकाल कर रखूंगा, हमको मालूम है, यही हमारी भी मर्यादा है। यस स्वामी जी, हम मंदिर में महावीर की भक्ति करते हैं और राम अपने राम की कहते हैं, कृष्ण अपने कृष्ण की कहते हैं, तो जो राम कृष्ण महावीर वो किसकी भक्ति करते थे? राम कृष्ण महावीर किसकी भक्ति करते थे, बोलिए? अब उत्तर दीजिए, मैं तो उत्तर दूंगा।
अगर कोई नौकरी करते हैं बिजनेस करते हैं
बिजनेस में कौन जाएगा? सर बिजनेस में काम कौन करेगा? और मैं क्या हूँ? शाम को घर पे कौन आएगा? मैं कौन हूँ? शाम को खाना कौन खाएगा? मैं कौन हूँ? रात को सो जाएगा कौन? मैं कौन हूँ? उससे क्या मतलब है? इसमें मुझे कुछ याद करने की बात बताइए। नहीं क्योंकि जो मैंने बात बताई वो डिफिकल्ट तो नहीं है, मगर क्यों नहीं होता है? इसमें तीन बातें, कोई भी बात को अगर वैल्यू नहीं समझ जाए क्या होता है, तो फिर इंटरेस्ट नहीं रहेगा, और इंटरेस्ट नहीं रहेगा तो एप्लीकेशन नहीं होगा, और एप्लीकेशन नहीं होगा तो एक्सपीरियंस नहीं होगा। वैल्यू इंप्रेस एप्लीकेशन एंड एक्सपीरियंस, दैट इज द प्रोसेस। चमत्कार या आधार मार्ग में नहीं होता है, इट्स अ प्रिंसिपल। जागृति आपको बढ़ानी होगी और जागृति के लिए वैल्यू और इंप्रेस भी आपको बढ़ाना होगा। विदाउट वैल्यू एंड इंप्रेस जागृति बढ़ेगी। बोलना क्या है? और दूसरी बात बता रहा, आध्यात्मिक यज्ञ क्या होता है? कौन सा यज्ञ? आध्यात्मिक यज्ञ। नॉर्मली यज्ञ किसको कहते हैं? नॉर्मली हमारे समाज में यज्ञ किसको कहते हैं बताओ? इसमें क्या करते हैं? अंगन करके जलाया, फिर क्या करेंगे? कुछ घूमेंगे चीज कोई भी है, मगर उससे क्या है? स्वाहा करना है। ऐसे हम अपने जीवन के अंदर जीवन जीते जीते सुबह से शाम तक हर प्रकार की अज्ञानता हो अपनी दृष्टि से स्वाहा करके रिपीट करता है, पूरे दिन अपने जीवन में व्यवहार करते करते अपनी दृष्टि से बिलीव को स्वाहा करना है, अपनी दृष्टि से बिलीव को स्वाहा करना है, अपनी दृष्टि से बिलीव को स्वाहा करना है। इसमें मन वचन काया इसमें नहीं आएगा, गलती मत करना। मेरी बात को समझ लेते मैं बात अभी कोई कहेंगे कि सुरेश में अकल नहीं है, बोल दिया आपको अंदर से क्या बोल रहा है? दृष्टि से स्वाहा, क्योंकि मैं सुन जाता हूं। नहीं समझा? कोई कहेगा ये बहन का ये हस्बैंड है, आपको कहा तो आपको कहने का स्वाहा मैं सुन जाता हूं। कोई कहेगा ये बिजनेसमैन है, आपको अंदर से बोलने का स्वाहा मैं, क्योंकि रॉन्ग बिलीफ को स्वाहा करना है, क्योंकि हम राइट बिलीफ करते हैं। हम रॉन्ग बिलीफ किसके साथ है और राइट बिलीफ आज के साथ। तो रॉन्ग बिलीफ को स्वाहा करेंगे तो फिर फजल, मगर रॉन्ग बिलीफ को पकड़ लिया तो फिर आज आ रहे मगर करेक्शन आपको ही करना पड़ेगा। 10 बार गलती से गलत व्यक्तियों को मार बेच दिया और पैसा वापस नहीं आया, बाद में आपको ही समझना पड़ेगा कि आगे व्यापारी को हम कैसे पहचाने। और कोई व्यक्ति आपको बताने के लिए उनकी किताबें नहीं आती है, आपको खुद को ही पक्का होना पड़ेगा। यस सर, तो 10 बार नहीं याद रहा, 25 बार याद नहीं है कोई बात नहीं, मगर पक्का तो आपको ही करना। और कोई व्यक्ति आपके अंदर ज्ञान पक्का नहीं कर सकते, आपको ही करना। और प्रसाद करने के लिए वैल्यू एंड इंटरेस्ट इज मस्ट। कहीं
प्रकार की धार्मिक क्रिया करने से जो एकाग्रता होती है इससे हमको शांति मिलती है। मतलब ये आपकी सोच है, लिमिटेड सोच। जब पैसा काउंट करेंगे तो भी एकाग्रता रहेगी, बोलते नहीं है। या तो उस समय की दुनिया भूल जाएंगे, बराबर है, और टीवी की अच्छी सीरियल होगी तब भी दुनिया भूल जाओगे। तो कॉन्सेंट्रेट करने का कोई एक ही रास्ता ऐसा नहीं है। कई लोग मैंने कहते हैं भगवान स्वामी जी हम जो भगवान का नाम देते उसमें लीन हो जाए तो हम अपना दुख दर्द थोड़े समय के लिए भूल जाते हैं। अच्छी बात है, मैं गलत नहीं होता, मगर टीवी की सीरियल में कॉन्सेंट्रेट हो जाऊंगा तो अभी थोड़े समय के लिए भी भूल जाऊंगा। तो दोनों का रिजल्ट है कि यस इंपॉर्टेंट साइंस क्या कहता है, वेन यू कॉन्सेंट्रेट योर विजन इन समथिंग यू फॉरगेट द वर्ल्ड टेम्पररी। ये प्रिंसिपल नहीं जानते कि क्या है, दिमाग लगने से एकाग्रता होती है, पूजा करने से होती है, ध्यान करने से होती है। मैं गलत नहीं कहूंगा, आपको जो एकाग्रता का रिजल्ट मिलता है वो कहीं तरह से मिल सकते हैं। आप समझे, आप कहीं घूमने चले गए अच्छी जगह पे नेचर प्लेस पे और आपको वहां बहुत आनंद आया, उस समय की आप थोड़े समय के लिए संसार कोई मन पसंद खाया आ गया और खाने में उचित लग गया तो भी थोड़े समय के लिए दुनिया। ऐसी बहुत सारी बातें प्रिंसिपल समझना पड़ेगा और इसीलिए जब हमको ये मालूम होना चाहिए, जब हमारा इंटरेस्ट आत्मा में लग जाएगा तो संसार में संसार भूलना हमारे लिए आसान है। कई लोग कहते हैं स्वामी जी हम तो ये बेटी पहनते हैं ज्वेलरी पहनते वो बहुत कॉस्टली होती है, ये डायमंड बहुत महंगा है, करीब ये बीटी की कीमत ये नंग की कीमत 5 लाख रुपये है और गोल्ड की तो बात ही नहीं करते। मैंने बोला बीटी की वैल्यू हो सकती है मगर बीटी से ज्यादा वैल्यू मूल्य की नहीं होता, या सुनो इसकी वैल्यू नहीं होती। यही तो हमारी कमजोरी है और उंगली की संख्या ज्यादा बन गई आत्मा नहीं है तो उंगली की भी वैल्यू नहीं है और उंगली नहीं है तो बेटी की भी वैल्यू नहीं है। तो बात को समझनी पड़ेगी, गलत बात देखकर हम कैसे अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, बढ़ सकते हैं। तो एक मनोचन का ऐसे शंकर कहना हो तो फल है तो फुर्सत भी करते तो मन से मन से नहीं करते भाव से करते हैं। भाव से आप जैन हो तो मालूम नहीं है द्रव्य मन भाव में नहीं मालूम है, नहीं मालूम क्यों जोड़ देते हैं बड़े अच्छे लोग भाई धर्म इन सबसे मोक्ष कैसे से जाने के लिए मौन रहना बहुत अच्छा है। मौन रहना आसान है, बोल तो वो रहना बहुत अच्छा है, ज्यादा अच्छा है। अच्छा है आसान है, फुर्सत करना पड़ेगा वो हमारे बस की बात। भावों में मौन रहो, जवान से मौन रहो या ना रहो वो हमारे हाथ में नहीं, मगर भाव से मौन हो जाओ ठीक। भाव का मतलब किसी के अंदर अंदर से दो साल ऊपर या रात देश मत करता भाव वाणी की भाव अंदर से खत्म बाहर को रहेगा तू देगा मन से काया से रहेगा भाव से नहीं होगा भाव से कुछ नहीं। लोग कहते हैं संसार है इसीलिए हमको राग द्वेष होता है, परिवार है इसीलिए राग द्वेष होता है, बिजनेस है नौकरी है इसलिए राग द्वेष होता है, समाज है इसलिए राग द्वेष होता है। मेरे बड़ा ये बात गलत है, ये सब कुछ है इसीलिए राग द्वेष नहीं होता, ये सब कुछ मेरा है इसलिए राग द्वेष नहीं, ये सब कुछ तेरा है
इसीलिए राजकुश हो, ये मैंने किया इसीलिए राजकुश हो, ये आपने किया इसीलिए राजकुश हो। मैंने पहले भी कहा कास्ट राजकुश नहीं है, मेरी कास्ट है तो राजकुश है, पत्नी से राजकुश नहीं है, मेरी पत्नी है तो राजकुश है, बच्चे से राजकुश नहीं है, मेरा बच्चा है तो राजकुश, हर बात को पता पड़ेगा, दुनिया से राजकुश नहीं है, अज्ञानता हमारे अंदर है, मेरा 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 तो मेरा कुछ नहीं है। दुनिया में लाखों बच्चे हैं, लाखों पत्नियां हैं, लाखों पति हैं, अब जो संपत्ति है क्या उससे राजकुश हो पाया? तो दुनिया से राजकुश नहीं, अज्ञान हासिल है, और अज्ञान का अपने दुनिया के लिए नहीं है, जो हमारे इर्द गिर्द है उसके प्रति ही हमारी अज्ञानता है, और वो ही अज्ञानता अंदर से वो ही दृष्टि परिवर्तन मन वचन काय में कोई परिवर्तन की बात नहीं। समझ आ रहा है? जैसे अभी ये बात मन की हुई, लेकिन वचन जो होते हैं वाणी, जैसे बोलते हैं कि तीर अगर एक बार कमान से निकल जाए तो उसको वापस, और वाणी से भी अगर जो शब्द निकल जाए तो अगले को पूरा मतलब आर पार हो जाता है, इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन चाहिए था मुझे। जैसे वाणी से भी हमें किसी को भी किसी भी प्रकार का दुख नहीं पहुंचाना चाहिए, लेकिन फिर भी हम जानते हुए भी हम दूसरों को ठेस पहुंचाते हैं, तो उसका क्या विज्ञान है इसके पीछे, मतलब सब क्या साइंस है? मन वचन काया से जो कुछ भी होता है इसके लिए कुदरत ने कहा आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हो। क्या बताया? मन वचन काया से जो कुछ भी होता है इसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, अनलेस यू आर ओनर एंड डूअर। अगर आप कर्ता भाव और मालिक भाव वाले हैं तो आप जिम्मेदार हैं, नहीं तो तो दर्शन कहाँ कर रहा है? और अभी आपका प्रश्न कहा था? क्या करेंगे? नहीं हमारे हाथ में सुख दुख मान लेना है। जब बच्चा खेलता है और मिट्टी खा जाता है उनके लिए सुख है, और मार देती है तो उनके लिए दुख है, बोलते नहीं क्या करो? हमारी की भाव से ही बच्चा कहता है मैं कुछ नहीं करता है, मां ये समझ कर कहता है मैं नहीं जाता हूं, उनके लिए आनंद मां को डर लगता है कभी वो डूब गया है, सबकी अपनी अपनी मान्यता है, क्या करोगे क्या करोगे? आखिर अज्ञान को निकालना है। मेरा मेरा वो भय वो भय और भी यही तो तकलीफ है, और क्या सही बार बार समझाने की कोशिश कर रहा है। इस दुनिया के अंदर, इस ब्रह्मांड के अंदर न कोई इंसान और न कोई गॉड एंड गॉडेस जिनके पास कुछ देने की या लेने की स्वतंत्रता कुदरत ने किसी को दिया नहीं है, फिर भीख की क्या जरूरत है और भय की क्या जरूरत है? मगर हम अज्ञानता के वश भीख और भय अपने अंदर पैदा करते हैं, तो निकालना क्या है? अज्ञानता। दुनिया को बदलना समझ में आया? हर बात का सेंटर पॉइंट आएगा अज्ञान, हर बात का सेंटर पॉइंट आएगा दृष्टि, हर बात का सेंटर पॉइंट आएगा अंदर बाहर नहीं। और आज दुनिया में कितने भी धर्म हैं वो कहते हैं उसका मनोरंजन काया से होता है, यही तो सबसे बड़ी क्रांति है, और यही क्रांति तोड़ने के लिए विज्ञान है। नहीं समझ में आया? ये भ्रांति तोड़ने के लिए साइंस है,
उनकी भी भावना थी दिनेश भाई की कि लोग आए और विज्ञान सुनते हैं, तो भावना तो कर सकते हैं मगर संतोष किसी के हाथ में है, ये बात को भी स्वीकार करता है। हाँ, तो इससे चलायमान होने की, अस्थिर होने की जरूरत नहीं है। Man.
क्षमा याचना चाहता हूँ। हे प्रभु मुझे क्षमा करे क्षमा करे क्षमा करे। और फिर से ऐसे ऐसे दोषों गलतियां बार बार न करो, ऐसी आप मुझे शक्ति प्रदान करें। Yeah.